हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल शिवी एंड व्लॉग। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं छोले भटूरे। यह वेरी इजी रेसिपी और हेल्दी तो नहीं बोलूँगी, हाँ बट घर के हैं तो कुछ हद तक हेल्दी भी होंगे। एंड आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग थोड़े छोलों को थोड़ा गाढ़ा और थोड़ा मतलब कैसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले ली है और मैदा मैंने इस बाउल के बराबर ली है, यानी कि एक बाउल ये मैदा है। उसके बाद इसके अंदर जो हमने चीज़ें ऐड करनी हैं उसमें हमने इसमें एक कप बराबर सूजी ली है और ये एक कप कर्ड है दही, सॉल्ट है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट, और ये थोड़ा सा इनो है, आप इनो की जगह बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। बट इनो मतलब हर चीज़ मतलब वो दोनों को वो करता है, तो उसके जगह मैंने इनो यूज़ किया। तो यहाँ पे मैंने अब इसे गूंथना है आटे को। तो आटा गूंथने के लिए मैंने इसमें बीच में थोड़ी सी स्पेस बनाई है और इसमें थोड़ी सी सूजी डाली है। ये पूरी एक कप बराबर सूजी थी बट मैंने पूरी नहीं डाली है क्योंकि जब मैंने आटे में मतलब थोड़ा स्पेस बनाया तो मुझे इतनी नीड नहीं लगी है। और हम सूजी से विस्लर डालते हैं कि थोड़ी इसमें क्रिस्पीनेस आए। और यहाँ मैं कर्ड यूज़ कर रही हूँ, कर्ड आप पूरा ये डाल सकते हैं पूरी बाउल, क्योंकि इससे थोड़ा भटूरों में हमारे खट्टापन आता है जिससे हमें भटूरे थोड़े टेस्टी लगने लगते हैं। और अब ये ऐड करने के बाद यहाँ मैंने आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में मैंने सूजी डाली है और कितनी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे दही ऐड की है। अब इसके अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पे सॉल्ट जो डाल रही हूँ वो मेरा हाफ टी स्पून सॉल्ट है। ये बहुत स्मॉल स्पून है, उसका भी मैंने हाफ इसमें ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें जब इसको अच्छे से बाउंड कर रहा है तो उसके बाद जब दही मतलब इसमें अच्छे से मैश हो गई है उसके बाद हम इसके अंदर इनो डालेंगे ताकि जो इनो है वो अच्छे से फिर इसमें मैश हो जाए और जो उसमें बबल्स आते हैं उन बबल्स को हमें इसमें पूरे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप ये एक स्मॉल स्पून है मतलब इनो जो मैंने लिया है, आप चाहें तो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऊपर बबल्स आने लगे हैं और ये बबल्स हैं जिनकी वजह से जो हमारे भटूरे हैं उनमें थोड़ा वो फूलेंगे। तो ये डालना इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने आटा लगा लिया है और इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, आप चाहें तो इनो डालने से पहले भी इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा बाद में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया है आटे को और ये मैंने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगा के रेडी किया है ताकि जो मैदा है वो हमें बेलने में आसानी रहे। तो आप ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है और अच्छे से इसको मैंने ढक के रख दिया था। ये 2 घंटे बाद का है जो आटा ये अभी लग के रेडी हुआ है, इसको मैंने 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था क्योंकि जब तक कि हम भटूरे के लिए मैदे को रखते नहीं हैं वो ठीक से नहीं बनते हैं, तो आपको मैदा 2 घंटे लगा के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है, वही कुकर है जिसमें मैंने अभी जस्ट अपने छोले उबाल के रखे हैं, मैंने इसे वॉश भी नहीं किया, मैंने इसको सेम कुकर को यूज़ किया है। इसके अंदर अब मैं 4 टेबलस्पून स्मॉल वेरी स्मॉल ऑयल ऐड करूँगी और यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरी 4 टेबलस्पून ऑयल है, मेरा जो कुकर है वो ऑलरेडी हीट अप हो चुका है तो मुझे वेट नहीं करना है, मेरा ऑयल नहीं तो जलने लगेगा। तो अब मैं इसके अंदर
मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ही ऑयल यूज़ किया है। जितना हो सके उतना हेल्दी खाना इस वक्त पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पे क्या, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं ऑयल हीटअप है तो वो फटाफट भून भी गया है। और अब मैं इसके अंदर हींग डालूंगी क्योंकि हींग छोलों में के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही पिंच ऑफ हींग ऐड करी है। अब इसके अंदर हम टू बिग साइज अनियंस जो होते हैं वो मैंने स्लाइस करके उनका पेस्ट बना लिया है। तो अब इसके अंदर हम वो ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने टू बिग तो नहीं होंगी, मीडियम साइज़ अनियंस थी जिन्हें मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। तो अब ये मैंने इसमें ऐड किया है और अब हमें इस प्याज को उस मोमेंट तक भूनना है जब तक कि हमारी प्याज बिल्कुल ब्लैकिश कलर में नहीं हो जाती है, क्योंकि जो कलर छोलों में आएगा वो इसी अनियन से आएगा जो हम इसे भूनेंगे। तो हमें इसे बिल्कुल अच्छे से पका लेना है जब तक कि ये बिल्कुल ब्लैकिश कलर में नहीं आ जाती है। तो हम इसे अपना टाइम देते हैं। जब आपको लगे कि प्याज नीचे लगने लगी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि प्याज जले नहीं, वो सिर्फ भुने। तो अब हमें वेट करना है जब ये हमारी प्याज है जो अपना कलर चेंज कर लिया। आप देख सकते हैं इसने बहुत ज़्यादा अपना कलर चेंज कर लिया है, बट जो हमें चाहिए अभी उससे ये बहुत ज़्यादा देर है। तो वेट करते हैं, अभी इसको अच्छे से पकने देते हैं। आप देख सकते हैं अब इसने काफ़ी ज़्यादा अपना कलर चेंज कर लिया है, बट अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है। तो थोड़ा और पकाने के लिए हमें, मुझे अभी नहीं लग रहा है कि मुझे इसके अंदर थोड़ा और पानी ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इसमें ऑलरेडी पानी है। अगर आपको लगे कि आपकी प्याज लग रही है नीचे तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अब डार्क पिंक कलर होने लगी है और मेरी प्याज नीचे लग रही थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि अभी मुझे इसे अब थोड़ा और पकाना है। ये देखिए अब ये बिल्कुल पक चुकी है। और इसको कुछ लोग छोलों में कलर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा, ये मैंने दो टमाटो के पेस्ट थे तो ये मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। इसको ऐड करके आप अच्छे से ऐसे मिक्स कर लीजिए। कुछ लोग छोलों को काला करने के लिए इसके अंदर चाय पत्ती को भी बांध के, मतलब बॉईल करते टाइम उसको उसमें डाल सकते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसमें ये प्याज वाला सिस्टम थोड़ा कम हो जाएगा, आपको ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे टोमेटो ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करने वाली हूँ, जिसमें मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, आमचूर पाउडर एंड धनिया पाउडर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड करने वाली हूँ वो है हल्दी, चिली पाउडर, धनिया पाउडर। ये सब मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं, छोटी छोटी टेबलस्पून है जो मेरी, जो इसमें मेरे स्पाइस बॉक्स में है। ये मैंने अमचूर ऐड किया और ये गरम मसाला। गरम मसाला वैसे हम लोग मोस्टली ऊपर से ऐड करते हैं जब हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी होती है, लेकिन ये कुकर है तो इसके अंदर मैंने साथ के साथ डाल दिया है। आप चाहें तो जब आप कढ़ाई में बनाएं तो आप इसको छोले पकने बंद कर, गैस बंद करने से 2 मिनट पहले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस को मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, सारे मसालों को टमाटर और प्याज के साथ। और अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। एंड या सॉल्ट ऐड करते वक्त एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपने उबालते वक्त भी छोलों में नमक ऐड किया होगा, तो क्योंकि मैंने 1 स्पून उसमें भी उबालते टाइम भी इसमें नमक ऐड किया था। तो अब मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही सॉल्ट ऐड करूँगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सो गाइस मसालों को हम पकने के लिए अभी 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए आपस में। तो अभी हमने सिम करके गैस को छोड़ दिया है। मीनवाइल मैंने दूसरी गैस के ऊपर अपना ऑयल रख दिया है। इसमें भी मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैं भटूरे बनाने वाली हूँ। तो जब तक मेरे छोले पक के रेडी होंगे तब तक मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिससे मेरे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे मसाले अच्छे से पक चुके हैं और अब मैं इनके अंदर अपने बॉयल हुए हुए छोले ऐड कर लूँगी।
और इन्हें अच्छे से मिक्स करके एक सीटी लगाने के लिए छोड़ दूँगी, सो दैट इससे मेरे जो मसाले हैं वो छोलों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अगर आप कढ़ाई में इसे पका रहे हैं, मसाले को भून रहे हैं, तो उसमें आप छोलों को 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ सकते हैं अगर आपके छोले पहले से ही अच्छे से बॉयल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा भटूरा कितने अच्छे से फूल कर निकला है, ये बहुत ही अच्छा बना है, क्रिस्पी है, सॉफ्ट है और खाने में उतना ही टेस्टी भी है। ये आप देख सकते हैं इस पर लाइट थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, स्लैब को इसकी अच्छे से नहीं मैं स्क्रीन दिखा पाई। तो यहाँ पर आप भटूरों को बनाने के लिए आप शेप का वो नहीं देखें कि आपको किस शेप में बनाना है, क्योंकि जो भटूरे हैं हम जितना उन्हें बेलते हैं वो उतना ही और ज़्यादा श्रिंक होने लगता है। तो यहाँ पर बिना शेप की फिकर किए आप अपना भटूरा बेलें, और जितना ज़्यादा पतला बनेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, उतना ही हम खा सकेंगे, क्योंकि अगर ये थिक रहेगा तो ये पकने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो आप जितना इसे पतला रखेंगे ये उतना ही अच्छा आपको खाने में लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया है, बिल्कुल फ्लैट करा है मैंने इसको बेल के, मैंने शेप नहीं देखी क्योंकि मुझसे शेप ऑलरेडी इसकी बनती ही नहीं, क्योंकि जो मैदा होता है हम उसे जितना करेंगे वो उतना ज़्यादा बनता है, राउंड शेप तो फिर भी एक बार आ जाती है बट नॉट दिस। तो अब मैंने यहाँ पर ये भटूरा जो मैंने अच्छी तरह से इसको बेल लिया, अब मैं इसको वापस से कढ़ाई में अभी से डालूँगी। तो ये आप देख सकते हैं और ये बहुत अच्छे से फूल के निकलेगा, ये देखिए आप कितने अच्छे से ये फूल गया है। अब इसे हम टर्न कर देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए, और इसे ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं बाहर जैसा दिखाने के लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो जैसे मर्जी आप इसे बना सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। मैं इसे ज़्यादा नहीं भूनूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्राउन ब्राउन वो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये देखिए आप, मैं इसको दिखा नहीं पा रही क्योंकि लाइट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ मैंने ये दूसरा डाला है, थोड़ी राउंड शेप देके मैंने इसको डाला है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये फूल भी गया है, बहुत अच्छे से ये बन रहे हैं। तो बस यही है इसमें कि आपको जब आप मैदा गूंध रहे हैं भटूरे के लिए तो आप उसको एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। जितना आप उसे रेस्ट देंगे वो उतने ही अच्छे तरीके से आपके भटूरे बन के निकलेंगे। तो यहाँ पे मेरे भटूरे और छोले दोनों ही रेडी हैं, मेरे कुकर में भी सीटी आ गई है, तो मेरे छोले भी बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए। आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे फूले फूले से मेरे भटूरे बन रहे हैं। बस ये लाइट की वजह से मैं आपको इनका कलर नहीं दिखा पा रही हूँ। हाँ ये देखिए ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हो रहे हैं। और आप छोलों को अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा गाढ़ा रख सकते हैं, और चाहे तो आप तरीदार भी रख सकते हैं, चाहे तो उन्हें बिल्कुल ब्लैक कर सकते हैं, चाहे तो उनको मीडियम कलर में रख सकते हैं जो उनके कलर होते हैं। तो ये इट्स अप टू यू, आप उसको किस तरीके से खाना पसंद करेंगे। यहाँ मेरे भटूरे बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मैंने प्लेटिंग कर ली है। यहाँ आपको मेरे भटूरों का कलर भी दिख रहा होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हो सके तो प्लीज़ प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट